मामला है शेखपुरा सदर प्रखंड क्षेत्र गगरी गांव का। गगरी गांव में 5 वर्ष पूर्व एक मारपीट की घटना में चौकीदार पर दबंगई करने का आरोप लगा था और पुलिसिया कार्रवाई में चौकीदार को जेल भेज दिया गया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद गरीब परिवार के घर और जमीन पर दबंग चौकीदार ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में 5 वर्षों से यह गरीब निसहाय महिला और पुरुष बुजुर्ग परिवार दर दर की ठोकर खाने को विवश है और कई बार एसपी को 5 वर्षों के दौरान आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया और यह दोनों बुजुर्ग आज भी सड़क पर इधर उधर भटकने को विवश हैं। आज भी समाहरणालय पहुँच कर एसपी कार्तिकेय शर्मा को लिखित आवेदन देकर पुनः इस पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि जो 5 वर्षों से सुशासन की सरकारी वाली पुलिस इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो एसपी कार्तिकेय शर्मा इस मामले पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं, ये देखना बेहद ही लाजमी होगा। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। मामला आया सारी है कि मार पीट के हमको भगा दिए हैं। आज जमीन में ले वो पहले दखल के ले। हाँ, जमीन में घर घर सहित दखल के ले। कौन है? जगेसर जाते। कितना दिन से? 5 साल सर, हम नए घर में था सर। क्या नाम हुआ आपका? सवित्री देवी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।